हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 9 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आई है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को शेषफल जो बचेगा वो चीज़ ज्ञात करना है, जो कि एक नंबर एक्स प्लस वन लेकर ज्ञात करना है, फिर दो नंबर एक्स माइनस वन बटा टू लेकर ज्ञात करने हैं, इस तरह ज्ञात करना। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन, पहले हम लोग लिख लेते हैं एक्स प्लस वन। तो आप लोग को मानना पड़ेगा, माना कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स बराबर जीरो, प्लस है उधर चला गया तो माइनस, यानी एक्स इक्वल टू माइनस, यानी जहाँ पर एक्स दिखाई देता वहीं पर पुट कर दीजिए। तो ये वाला इक्वेशन एक बार लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1। तो जहाँ x दिखा देता वहीं पर माइनस एक बैठा दीजिए, तो 3 यहाँ पर भी माइनस 1² + 3 - 1 + 3 + 1 है। अब देखिए माइनस 1 का क्यूब, यानी माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, एक 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 फिर भी एक को माइनस रह गया, तो माइनस 1 लीजिए। ओके, तो देखिए प्लस प्लस, अब 3, अब माइनस एक दो बार है, माइनस चला गया, फिर प्लस, फिर 3 × 1 = 3, माइनस 3 है प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 3 × 1 = 3, प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, यानी 0 बचा। तो लिख सकते हैं कि शेषफल इक्वल टू 0 आंसर। ओके, फिर इसी का सेकेंड रूल देखिए, ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया, अब इसका सेकेंड रूल देखिए। देखिए ये वाला उतार लीजिए इक्वेशन, तो 3x³ + 3x² + 3x + 1, और इसको लेकर कैलकुलेट कीजिए एक्स प्लस वन। तो देखिए जहाँ यहाँ पर एक्स क्यूब है, लेकिन यहाँ पर एक्स एक गो एक्स है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर देंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स, ये वाला एक्स क्यूब हो गया, फिर प्लस प्लस, अब एक गुना एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज कुछ नहीं होना, प्लस इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, अब इस प्लस का कोई काम नहीं, प्लस का बदले माइनस टा गया, तो प्लस माइनस 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 मैंने घटा, तो 3 में 1 चला गया, तो 2x² बचा, फिर 3x + 1, यहाँ पर कुछ नहीं मैंने प्लस, यहाँ पर प्लस, अब एक्स के साथ क्या गुना करेंगे, 2x² आएगा, 2x गुना करेंगे तो 2x, तो कीजिए 2x² प्लस प्लस, अब 1 × 2x तो 2x, फिर साइन चेंज कीजिए, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 3 में यदि 2 चला गया, 1 बचा 1 का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ x लिखिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं माने प्लस है, अब यही तो सेम है ही है, तो सिर्फ क्या x से गुना कर दीजिए, तो x अब क्या बचा, सब काट गया, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस 0, अतः शेषफल इक्वल टू 0। ओके, आपको जो नियम अच्छा लगते हैं वही नियम आप कीजिए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एक्स माइनस 1/2, तो इसको ले लीजिए, माना कि एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 माइनस है, तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू 1/2। अब ये समीकरण यहाँ पर लिखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1, जहाँ x दिखा दिए वहीं पर x/2 बैठा दीजिए, तो 1/2 × 3 × 1/2² + 3 × 1/2 + 1। देख एक ही होगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, फिर प्लस 3 × 1 = 1, फिर 2 × 2 = 4, फिर प्लस 3 × 1 = 3 / 2 + 1, अब फिर कीजिए 1/8 + 3×3 = 4 + 3/2 + 1, अब इसको यहाँ लाते हैं, देखिए नीचे का सब लॉस हो लीजिए, 8 × 4 = 2, 8 × 4 = 2, नीचे लॉस हो 8 × 4 = 2, तो 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, फिर 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 1, तो 2 × 2 = 2, यानी 8 आया ना। अब लीजिए यहाँ पर सबका लॉस 8 ले लीजिए,
ये तो आठ है, ये है सिर्फ ऊपर का उतार दीजिए। आठ लाने के लिए दो से गुना करना पड़ेगा, इसको ना गुना करें इसको गुना कर दीजिए तो दो तिया छः। आठ लाने के लिए चार से गुना करना पड़ेगा तो इसको चार से गुना कर दीजिए, चार तिया बारह। यहाँ पर एक है कुछ नहीं बने, इसको आठ लाने के लिए गुना करना पड़ेगा, इसको आठ गुना कर दीजिए प्लस आठ। ओके, फिर सबका जोड़ दीजिए, देखिए बारह और आठ बीस, बीस और सत्य सत्ताईस बटा आठ। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर एक्स। तो कीजिए माना कि एक्स इक्वल टू जीरो, यानी जहाँ एक्स दिखा दे तो वहीं पर जीरो बैठा दीजिए। तो सेम उतार दीजिए, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए। तो जहाँ एक्स दिखा देते हैं वहीं पर जीरो बैठा दीजिए। अब देखिए जीरो से गुना करेंगे जीरो, अब तीन जीरो से गुना करेंगे जीरो, फिर तीन जीरो जीरो प्लस एक। देखिए जीरो प्लस तीन जीरो जीरो प्लस जीरो प्लस एक, जीरो जीरो का कोई वैल्यू नहीं, एक आ गया। तो लिखिए कि शेष फल इक्वल टू एक। ओके, फिर देखिए चौथा क्वेश्चन दे रखे हैं एक्स प्लस पाई। तो माना कि एक्स प्लस पाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो प्लस है तो माइनस पाई, और तो एक्स बराबर माइनस पाई। तो जहाँ एक्स दिखाई देता वहीं पर पाई बैठा दीजिए। तो इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस है। तो लिखिए माइनस पाई का क्यूब प्लस थ्री गुने पाई का स्क्वायर प्लस थ्री गुने पाई प्लस वन। तो देखिए माइनस माइनस दो टो कैंसिल, फिर भी एक टो माइनस बचा, तो पाई क्यूब प्लस थ्री पाई पाई, तो पाई स्क्वायर प्लस थ्री पाई प्लस एक। ये तो और कोई कैलकुलेट होंगे नहीं, तो यही आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पाँच नंबर फाइव प्लस टू एक्स। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, माना कि फाइव प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, यानी टू एक्स इधर रखते इक्वल टू जीरो, प्लस उधर चला गया तो माइनस, तो टू एक्स इक्वल टू माइनस पाँच, तो एक्स इक्वल टू माइनस पाँच गुना में है तो बटा टू। थ्री वाला इक्वेशन उतारिए, थ्री एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए। अब जहाँ एक्स दिखाई देता वहीं पर माइनस पाँच बटा टू बैठा दीजिए। तो माइनस पाँच बटा टू का क्यूब प्लस थ्री गुना माइनस पाँच बटा टू का स्क्वायर प्लस थ्री गुना माइनस पाँच बटा टू प्लस ए। अब माइनस पाँच माइनस पाँच माइनस पाँच, तो माइनस माइनस कर दो, फिर भी एक तो पाँच बचा, तो पाँच पाँच पच्चीस और पच्चीस पाँच एक सौ पच्चीस बटा दो, दो चार, चार दोगुनी आठ, फिर प्लस माइनस माइनस एक ही साथ कर देते हैं, तीन पाँच सॉरी प्लस, फिर कीजिए तीन को तीन रखिए गुना, फिर माइनस माइनस कैंसिल, पाँच पाँच पच्चीस बटा दो दोगुनी चार, फिर प्लस माइनस माइनस तीन पाँच पंद्रह बटा दो, फिर प्लस है, फिर कीजिए माइनस एक सौ पच्चीस बटा आठ प्लस पच्चीस दिया पचहत्तर बटा चार माइनस पंद्रह बटा दो प्लस एक। ठीक है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे का लॉस लेंगे तो आठ ही होंगे, तो आठ ये तो आठ है, ये है सिर्फ माइनस एक सौ पच्चीस लिख डालिए। आठ लेंगे दो से गुना करना पड़ेगा, इसको दो से गुना कर दीजिए, पचहत्तर दो गुनी डेढ़ सौ माइनस आठ लाने के लिए चार से गुना करना पड़ेगा, तो इसको चार से गुना करिए, चार पंद्रह साठ प्लस आठ लाने के लिए आठ से ही गुना करना पड़ेगा, तो इसको गुना कर दीजिए आठ। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं, अब देखिए ये एक सौ पच्चीस माइनस में, फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखो माइनस माइनस को पहले जोड़िए, माइनस माइनस लेकिन चिन्ह माइनस, पाँच जीरो पाँच, फिर छः और दो आठ, फिर एक बज गया, और फिर प्लस प्लस प्लस, तो एक सौ पचास और आठ एक सौ अंठावन बटा आठ। अब देखिए ऐसे में एक सौ अंठावन चला गया तो बचा सत्ताईस, बड़ा में माइनस है तो माइनस बटा आठ, ही तो काट कुट होंगे नहीं, यही आपका सिंपल आंसर आ गया। ओके, आई होप आप सम